अनुष्का ने प्रियंका को हार की राम राम और फिलहाल खड़े हैं खटखट टोल पर। खटखट टोल पर आप देखोगे जो खटखट गांव का लड़का है मन्नू खटखट आज आप देखोगे तो जीत का आया है, जो ब्रॉन्ज मेडल जीत का आया है, जो चीन में एशियन गेम में पैरा एशियन गेम्स में जीत का आया और आड़ पहुंचने पर मतलब फूलमालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है, तो कांस्य पदक जीत के लेके आया है। तो इनसे बात करेंगे कि किस प्रकार से पूरा गांव यहां पर पहुंचा है, पूरे गाँव में खुशी का माहौल है, गीत जो चाची ताई है उनके द्वारा गीत गाए जाना लग रहे हैं, तो बुआ दादी ताई सारी आड़ पहुँच रही है और हटियो थोड़ा सा तो पूरे गांव में खुशी का माहौल और फूल माला तो स्वागत किया जा रहा है। राम राम जी। राम राम जी। हाँ जी। बड़ी हाँ जी। कितने दिन में वापस आए हो? जी हम यहाँ 20 दिन का टूर था जी हमारा। हाँ जी हाँ जी। हम मैं शॉटपुट करता हूँ जी। हाँ जी हाँ जी जी। मेरे को 10 साल हो गए जी। हाँ जी ट्रेनिंग करते हुए जी। इसी गेम में 10 साल से खेल रहे हो? नहीं पहले मैं जेवलिन करता था जी, उसके बाद फिर शॉट पुट करने लग गया था। मैं ओलंपिक में मेरा इवेंट था 2020 में, तो इसके लिए मैंने 2018 में चेंज कर दिया था गेम। तो अभी एशियन गेम्स में अभी मैं वो इवेंट था जी, आगे ओलंपिक में भी इवेंट है जी। ये आज जीत के लौटे हो और पूरे गांव वाले फूल माला गाल रहे, तो किस हालत में? बढ़िया लगे जी, बहुत बढ़िया जी। हाँ हाँ जी बिल्कुल बहुत बढ़िया जी। सारे गांव वाले आशीर्वाद देने लग रहे जी, बहुत खुश हैं जी दिल पे। लगातार प्रैक्टिस इनकी जारी है। स्वामी आदित्य जी हमारे साथ है, तो स्वामी जी ये बताइए कि आज खटखड़ गांव का लड़का जीत का आया है, तो क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे मनु खटखड़ ने अपने पूर्वजों के इतिहास को दोहराने का काम किया है। मनु जिस परिवार में पैदा हुआ है उसके खुद पिताजी जो है वो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं, उनके जो चाचा जी हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रहे हैं और भारतीय कबड्डी टीम के वो वाइस कैप्टन रहे हैं। उसी परिवार में मनु जो है उसने अपने ही कीर्तिमान को दोहराया है। पहले जो एशियन गेम थे उसमें उसका रेस में गोल्ड था, आज ये ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। और आपको जानकर के ये भी खुशी होगी, जो सेकंड और थर्ड पोजीशन थी दोनों के बराबर पॉइंट थे, टेक्निकल पॉइंट में ये कुछ कम रह गया वो अलग बात है, पर अपने आप में इतिहास रचने का काम किया है। आज के टाइम पे यूथ को जो एक रोल मॉडल आइकॉन चाहिए, उनके लिए मनु जो है एक आइकॉन का काम करेगा और उनको देख करके मनु को देख करके बच्चे जो है वो नशे से भी दूर रहेंगे और पुराने अपने पूर्वजों की जो परंपरा है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। गोला फेंकने में 14.9 इनका था और जो सेकंड पोजीशन है उसका भी 14.9 ही था, पर टेक्निकल पॉइंट्स क्योंकि 6 बार उन्होंने फेंका तो उसमें जो उससे पहले का एक पॉइंट था वो जुड़ करके उसको जो सेकंड पोजीशन मिला। जी देखो आप भी खटखट गांव से ही हो और खटखट गांव का इतिहास है, मतलब खटखट गांव वाले कुछ ना कुछ बड़ा करते रहते हैं। आपको और पीछे लेके जाता हूँ, शहीद आजम भगत सिंह का जो पैतृक गांव था वो भी खटखट कला गांव था, तो ये तो उस परंपरा का गांव है, आज भी इतिहास रचने की ओर है और पीछे की विरासत में भी इतिहास रचा है। आपके माध्यम से सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि भविष्य में भी कीर्तिमान स्थापित करने के लिए सबको इसी प्रकार मनु की तरह से मेहनत करने की जरूरत है। माँ बाप भी धन्य हो जाते हैं जिनको ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। बिल्कुल, माँ बाप ही नहीं पूरा गांव और पूरा देश आज गौरवान्वित है। मनु जो है उसने इतिहास रचने का काम किया है और इस शॉर्ट पुट में इसकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी में ये पहला मेडल है। तो आज के युवाओं के लिए क्या संदेश? यही संदेश देना चाहूंगा, बढ़िया डाइट रखो, बढ़िया जीवन रखो, सादा जीवन रखो, संस्कारित जीवन रखो, ब्रह्मचर्य का पालन करो और एक लक्ष्य बना करके एक टारगेट बना करके मेहनत करोगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। नशे से दूर। बिल्कुल नशा तो गेम से आज बिल्कुल बाहर होना चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे जाना है तो नशे से दूर रहना ही रहना पड़ेगा और समाज में यदि जीवित रहना है तो भी नशे से दूर रहना पड़ेगा। नशा हटाना है, नौजवानों को अच्छाई की तरफ जोड़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए मतलब यहाँ पर कितना खुशी का माहौल है, आप देखो मतलब पूरा का पूरा यहाँ पर गांव वाले की तरफ से माला गाली जान लग रही है। स्वामी आदित्य बेस भी यहाँ पे पहुंचे हैं और बाइक का पैचों को निकाली जा रही है, तो बाइक का पैग आ गया है और पीछे खटखट गांव से लेके जागे ट्रैक्टर भी है, तो पूरा खुशी का माहौल है। तो किस प्रकार का माहौल है वो आप देख सको, तो इस खुशी के माहौल को देखकर आपका क्या कहना है? जब कोई लड़का इस प्रकार से मेडल जीत गया है तो पूरे गाँव के लिए पूरे हरियाणा के लिए बड़ी गौरव की बात है, पूरे भारतवर्ष के लिए गौरव की बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि इस प्रकार से खेलते रहो, नशे से दूर रहो और अपने भारत का अपने देश का नाम रोशन करते रहो।